पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैमेलियन डेडपुल की नकल कर रहा था और उसके नाम पे टीवी पे हथियार बेच रहा था। और डेडपुल को ये बात पता चल जाती है क्योंकि उसका हथियार बेचने का तरीका कुछ अलग ही है। अब स्पाइडरमैन और डेडपुल एक साथ काम करने लगते हैं। वो लोग कैमेलियन का पता लगा लेते हैं और उसके पीछे पीछे टेबुला रासा पहुँच जाते हैं, लेकिन फिर कैमेलियन सबको बेहोश कर देता है। वो दूसरी शार्क डेबोरा ब्रूस को ढूंढते हुए वहाँ पे पहुँच जाती है, जो कि अब भी बेहोश है और धीरे धीरे होश में आ रहा है। वहाँ पे डेडपुल की टीम के बाकी लोग भी पहुँच चुके हैं और ब्रूस उनको बताता है कि वो कैमेलियन था, जबकि ऊपर केट वेंसबोरम उस छेद को रिपेयर कर रही है ताकि वो हेलीकॉप्टर स्टेबलाइज हो सके। केट बोलते है कि तुमको जल्दी अपना काम पूरा करना होगा, क्योंकि जब मैं इस दरार को बंद कर दूंगी तब तुम सब लोग अंदर सील हो जाओगे। स्क्रूबॉल को ब्रूस की बॉडी के ऊपर कुछ खून दिखाई देता है और फिर हेलकाउ डकार मारती है। उसे शक होता है कि हेलकाउ ब्रूस का खून पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हेलकाउ बोलते है कि मैं ठीक हूँ। अब हमें पहले डेडपुल को ढूंढना है या फिर उन छुपे हुए हथियारों को। क्ले बोलता है मुझे लगता है कि वो दोनों एक ही जगह पे हैं। उधर स्पाइडी डेडपुल से बोलता है ये सब तुम्हारी गलती है। डेडपुल कहता है क्या बात कर रहे हो, मुझे क्या पता कि कैमेलियन यहाँ पे था, इसलिए इसमें तुम्हारी गलती है। हस्क बोलती है तुम दोनों चुप करो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। डेडपुल बोलता है इतनी भी क्या जल्दी है, मेरी तो अच्छी खासी मसाज हो रही है। तब हस्क उनका ध्यान नीचे खड़े हुए मॉन्स्टर्स की तरफ दिलाती है। स्पाइडी बोलता है क्यों ना मैं अवेंजर्स को बुला लूं और हम तुम्हें जल्दी से जेल में डाल देंगे। डेडपुल बोलता है अवेंजर्स प्लीज, कभी वो किसी की मदद करते भी हैं। स्पाइडी बोलता है टीवी नहीं देखते क्या। डेडपुल कहता है टीवी देखने की किसको जरूरत है, जब तुम्हारे पास चलाने के लिए बंदूक हो, फेंकने के लिए चाकू हो। और हाँ, चाकू से याद आया, मेरी जेब में एक चाकू था और शायद मैं इसे निकाल सकता हूँ। क्या किसी ने मेरा हाथ देखा। तो गाइस, कैमेलियन डेडपुल का हाथ काट कर उस तिजोरी के पास पहुंच चुका है और डेडपुल के फिंगरप्रिंट से उस तिजोरी को खोल लेता है। इधर डेडपुल बोलता है अब ये हाथ कौन चुराता है यार। पैडी बोलता है मुझे लगता है कि कैमेलियन तुम्हारे हाथ से उस तिजोरी को खोलना चाहता है। डेडपुल बोलता है तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो, मैं यहाँ अपने बहरूपियों को ढूंढने आया था। अब तक हस्क अपनी पत्थर वाली शेल से बाहर निकल जाती है। डेडपुल उसे पटाने की कोशिश करता है, जिसपे हस्क बोलती है कि अगर तुम दोनों चुप करके मेरी मदद नहीं करते हो तो मैं तुम्हें इन मॉन्स्टर्स को खिला दूंगी। डेडपुल बोलता है मैं मदद कर रहा हूँ, क्या किसी को मछलियाँ दिखाई दे रही हैं या फिर मैं सपना देख रहा हूँ। ब्रूस डेबोरा बच्चों तुमसे मिलकर अच्छा लगा, थोड़ी मदद करोगे। और फिर ये मछलियाँ उन मॉन्स्टर्स को खा जाती हैं और क्ले अपनी वेजिटेशन का यूज करके डेडपुल और स्पाइडी को गिरने से बचा लेता है। स्पाइडी इससे पहली बार मिलता है, वो क्ले से पूछता है कि तुम कौन हो। क्ले बोलता है कि मैं क्ले क्वार्टरमैन का एक लाइफ मॉडल डिकॉय हूँ जो एक ऑर्गेनिक वायरस से इन्फेक्ट हो चुका है। स्पाइडी उसके ऊपर लगे हुए सेबों को देखकर पूछता है क्या मैं इनको खा सकता हूँ। डेडपुल उनको खाकर बोलता है ये काफी मजेदार है। स्क्रूबॉल बोलते है कि अभी खाने खाने का टाइम नहीं है। कैमेलियन ने वो तिजोरी खोल दी है, जबकि नीचे हेलकाउ उन मॉन्स्टर्स का खून पीने में लगी हुई है, लेकिन जल्दी वो अपने आप को संभाल लेती है। हस्क पूछती है क्या ये हेलकाउ हमें खा तो नहीं जाएगी। डेडपुल कहता है कुछ गारंटी नहीं दे सकता। ठीक है, बातें करने का टाइम खत्म हो गया, चलो जाकर उस कैमेलियन को पीटते हैं इससे पहले कि वो पूरी जगह खाली कर दे। अंदर पहुंचते ही डेडपुल उन मिसाइल से चिपक जाता है और बोलता है कि कितने शानदार खिलौने हैं, लेकिन स्पाइडी मना कर देता है। स्क्रूबॉल पता लगाने की कोशिश करती है कि कैमेलियन किस चीज को खोज रहा था। तभी उन कंप्यूटर्स में एक धमाका होता है और कैमेलियन उस हथियार के साथ वहां पे पहुंच चुका है। वो डेडपुल का थैंक्स बोलता है और डेडपुल उसे कॉन्ग्रेट्स करता है। कैमेलियन हेलकाओ और हस्क के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन स्पाइडी उस गन को ब्लॉक कर देता है जिससे वो गन वहीं फट जाती है। लेकिन फिर कैमेलियन वार रोबोट्स को चालू कर देता है। हालांकि स्क्रूबॉल बड़ी आसानी से उनको रोक लेती है और स्पाइडी और डेडपुल मिलकर कैमेलियन को पीटने लगते हैं। तभी कैमेलियन गलती से पास के एक टैंक के ऊपर गोली चला देता है, जिससे निकला हुआ केमिकल क्ले क्वार्टरमैन की वेजिटेशन के साथ रिएक्ट कर जाता है और कुछ ही सेकेंड्स के अंदर उस पूरी जगह पे पेड़ पौधे फैल जाते हैं और सब लोगों को अपनी चपेट में लेने लगते हैं। स्पाइडी बोलता है अबे ये किसको काम पे रख लिया। डेडपुल कहता है मुझे क्या पता कि ये इतना खतरनाक निकलेगा, अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन कैमेलियन किसी तरीके से आजाद हो जाता है
और वहां से भाग जाता है, जबकि अपने हीरोज अब भी पेड़ पौधे से छुटकारा पाने में लगे हुए हैं। सबसे पहले स्पाइडरमैन फ्री होता है, उसके बाद वो हस्क को आजाद करवाता है। फिर डेडपूल सामने आता है और बोलता है कि तुम लोग जाओ, मैं इस वेजिटेशन को संभालता हूँ, तुम लोग जाकर कैमेलियन को रोको। भागते हुए कैमेलियन को हस्क की कार दिखाई देती है और वो उस उड़ते हुए कार को लेकर भागने लगता है। हालांकि स्पाइडी उसका पीछा करता है, वो कैमेलियन को रोकने के लिए अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन कैमेलियन उसे बिजली का झटका देता है तो स्पाइडरमैन नीचे गिरने लगता है, जबकि कैमेलियन उस डूम को तोड़कर बाहर निकल जाता है, जिसे केट वेंसबोरा अब भी रिपेयर कर रही थी। अब तक केट को वेट करते हुए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो डूम को जल्दी सील कर देगी। इधर स्पाइडरमैन नीचे गिरने में लगा हुआ है, लेकिन हस्क उसे सूंड में पकड़ लेती है क्योंकि एक क्रिएचर अब भी जिंदा बचा हुआ था। अब स्पाइडी डिसाइड करता है कि वो लोग जाकर डेडपूल को बचाएंगे, लेकिन वहां जाकर देखते हैं कि डेडपूल तो सारे हथियारों को लेकर गायब हो चुका है। और तब डेडपूल 24 घंटे के लिए उस तिजोरी को बंद कर देता है। अब ये दोनों लॉकडाउन के अंदर फंस चुके हैं। इधर डेडपूल केट के साथ मजे कर रहा है और हमें पता चलता है कि क्लिन नाटक कर रहा था, उसने बस उस केमिकल का फायदा उठाया। और केट जो कि उनको छोड़कर जाने वाली थी, लेकिन वो मैम्फीबियन की वजह से रुक गई क्योंकि मैम्फीबियन मेडिटेशन कर रहा था। अब स्क्रूबॉल बोलती है, लेकिन कैमेलियन एक फाइल लेकर भाग गया। डेडपूल बोलता है, वो पागल फाइल का क्या करेगा? स्क्रूबॉल कहती है कि हो सकता है कि कुछ खतरनाक हो, लेकिन डेडपूल कहता है कि उसको पेपर ले जाने दो, असली हथियार तो हमारे पास है, चलो इन हथियारों को बेच के आते हैं, मुझे थोड़े से और गुड्डे खरीदने हैं। इधर कैमेलियन अपनी सीक्रेट लोकेशन पे पहुंच चुका है और उसके पास भी काफी कुछ हथियार है, और जो फाइल उसके पास थी वो प्रोजेक्ट डोपलगैंगर की थी। वो कहता है कि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली है।